तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमने जो प्रीवियस टॉपिक कवर किया था वो क्या था हमारा, हमने देखा था रे डायग्राम किसके कॉनकेव में रखे, ठीक है, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग-अलग पोजीशन पे रखेंगे तो उसकी इमेजेस कैसे फॉर्म होगी। तो चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने बात की थी कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर हमारा जो पूरा फोकस था वो कॉनकेव मिरर पे था, तो अब कॉनकेव मिरर में जितना हमें पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे कॉनकेव और कॉनवेक्स की। अब हम बात करने वाले हैं कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनवेक्स मिरर में जैसे सेम जो चीजें हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ी थी वही सेम चीजें हमें कॉनवेक्स मिरर में भी देखनी है, ठीक है। तो पहले तो हमको उसकी इंपॉर्टेंस में देखनी है, हम इम्पोर्टेंट रे, ठीक है। हमने पढ़ ली थी इसमें हमारा क्या था कॉनकेव मिरर, उसमें भी हमने एक इम्पोर्टेंट रेस देखी थी फोर रेस देखी थी। आपको याद होगा कि पैरेलल अगर रेस आती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो फोकस से ऊपर जाएंगी, फोकस से ऊपर जा रही है, हम फोकस से ऊपर आ रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेस जो होगी वो कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर हमने देखा था अगर सेंटर से ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। एंड जो फोर्थ हमने देखा था वो क्या था कि अगर पोल पर आ रही है तो वो पोल पर ही क्या होगी, स्ट्राइक पोल से ही क्या होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो मैम ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है, तो श्रुति का कहना है क्या सबको ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है, पल्लव जय आप लोगों को ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा, नो मिस मैम किसी को ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर यस मैम हो ब्लर रहा है, हो रहा यहाँ तो नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए, ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आप आगे दिक्कत हो तो बताइएगा, अभी तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग फोर डेज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाली, ठीक जो है अब आपको बनाना है कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, तो एक काम करती हूँ मैं इसे इरेज करती हूँ, मैं इस साइड से ऐसे भी बना सकते हैं, इसे मैं अंदर से लूंगी तो इस साइड से क्वेश्चन आप ले सकते हैं, लेकिन आप इन साइड से ओके। अब मुझे क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाना, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैं पॉलिशिंग कहाँ करूंगी, अंदर की साइड, कुछ और दीजिए अंदर की साइड, ठीक है। ये जो गैसेस डैश है ना ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारा जो मिरर है वो कैसा है, पॉलिश है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर वो सेंटर कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका पोल, ठीक है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो चाहे तो आप नेम दे सकते हैं एक्स, ठीक है बेटा। अब क्या है यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है ये क्या है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, ठीक है। हमारा जो कॉनकेव मिरर था उसमें कैसा था, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये थी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें जो सेंटर और फोकस ये सब क्या थे, मिरर के आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या है ना, सेंटर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो फोकस है वो क्या है, मिरर के पीछे है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपकी इंसिडेंट रे आती है, चलिए तो कहाँ जाएगी, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, आरो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। तो बेटा अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
इंफिनिट रे, तो अब ये कहाँ जाएगी? तो हमने देखा था कैसे होगा, नॉर्मल आपको पता है ना, नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल आपका होगा सेंटर से अपने, ठीक है। सारी चीजें हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको पूरा एक एक डिटेल बताया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पर नॉर्मल बनानी हो, नॉर्मल क्यों बनानी हो, जब भी तो मैं रिफ्लेक्टेड रे, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो शो कर पाऊंगी, है ना, कि क्योंकि जितना ही एंगल आपका बनाएगा नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉर्मल और आपकी इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा सेम, उतना ही एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के साथ बनेगा। तो अभी हम यहाँ पे पल्स की अगर डायग्राम की बात करें तो हम नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मेरी कहाँ से होगी जाएगी बेटा, सेंटर से होगी जाएगी, ठीक है। ये होगी मेरी नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छी दिख रही हो तो मिलेगी, ठीक है ना। अब इनके बीच में ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो क्या होगी, ऐसे इस तरह निकल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस भी होकर जाएगी, ठीक है ना। पैरेलल जा रही थी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस भी होकर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तो फोकस अब तो पीछे है ना, तो कैसे जाएगी? तो हम क्या करेंगे, इस रे को इंसिडेंट का सॉरी आपकी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचेंगे, ठीक है, पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, थोड़ा सा आप देखिए, जब ये से बनाएंगे ना तो ऐसे रख के बनाइएगा कि फोकस भी उसके पॉइंट पर आए, ठीक है। जब आप लोग रे डायग्राम बनाएंगे ना तो इस तरीके से बनाइएगा कि जो फोकस है ना उसके पूरे उसके उसमें आए, जैसे आप रे रखेंगे ना तो फोकस नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे इधर कर लेती हूँ, ऐसे आपको डायग्राम में मत कर देगा, जैसे ये मेरा फोकस है, क्लियर है डायग्राम आपको। तो मैंने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, पीछे पकड़ के खींच दिया, क्योंकि मुझे पता था आगे जाके तो ये मिलने वाली है नहीं, ठीक है। आगे जाके क्या है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसमें जो रेज होती है क्या होती है, स्कैटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जाके मिलना तो है नहीं, चलिए एक और रेज देख लेते हैं, मान लीजिए ये रे आई, ठीक है, नॉर्मल तो पता ही हमें वैसे आएगी और ये इस तरफ चली गई, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमने कॉन्केव मिरर में जो चीज देखी थी ना, कि अगर आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो सेम चीज यहां पर भी है, ठीक है, कि यहां पर भी जो रे है वो फोकस से ही होकर जा रही है ना। अगर अगर मान लीजिए ये तो पॉलिशिंग सरफेस है, अगर रे को अंदर आना होता, ठीक है, तो फोकस से आती ना, है ना, आपने तो पीछे खींच दिया तो इससे हमें क्या इशू हुआ, क्यों फोकस में ही आती। तो सेम चीज जो कॉन्केव मिरर में थी वो कॉन्वेक्स मिरर में भी है, कि अगर आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से ही जाएगी, ठीक है, फोकस से ही होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा आप क्लियर करते, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है, क्लियर है तो सेकेंड पे आए, ठीक है, चलिए सेकेंड पे आते हैं, इसे रेज कर देती हूँ मैं। अब जो सेकेंड रेज थी हमने क्या देखी थी, फोकस से होकर जा रही थी, ठीक है। सेकेंड जो रेज देखी थी हमने इंसिडेंट रे वो कहां से फोकस से होकर जा रही थी, ठीक है। सॉरी ये मैंने क्या बना लिया, कौन सा मिरर बना दिया मैंने, सॉरी कौन सा आपका मिरर है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स है ना, इतना हमने कॉन्केव बनाया है कि अब मेरी लैटिन में कॉन्केव ही हो गया था।
ठीक है, ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। अब क्या है सेकेंड जो रे है, अब आपकी कहाँ से आएगी, फोकस के ऊपर। तो फोकस के ऊपर मतलब यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिएगा कि कितना है, इतना ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे रे निकाल लीजिए, ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, है ना। आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए जैसे लगेगा फोकस रे, ठीक है। अब मैं अगर इसकी रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं तो कैसे होगी जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसका नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसका नॉर्मल बना देते हैं, ये जितना एंगल बना रही होगी इस हिसाब से, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपको वगैरह से बनाई ना तो प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो आपकी जो रे होगी वो कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे भी एक बना के देख लीजिए, बना लीजिए, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, फोकस के ऊपर, और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड, ठीक है बेटा। तो सेम चीज है, देखिए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बस ये डिफरेंस है ना, कि कॉन्केव मिरर में तो यहीं से हम क्या कर रहे थे, आपके अगर पैरेलल्स देखे यहाँ पे मैं बनाती हूँ तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा कॉन्केव मिरर है ना, आपकी पैरेलल रेज आती थी और यहाँ पे फोकस था, फोकस के ऊपर गुजरती थी, ठीक है। अब हमने हमारा जो अभी कॉन्वेक्स मिरर था उसने क्या देखा था बेटा, कि आपकी रेज जो है वो क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है और वो भी फोकस से ही जा रही है, लेकिन क्या है अब वो क्या है, स्कैटर होगी, तो वो फोकस जो है आपका वो फोकस कहाँ है, आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, तो हम क्या करेंगे उसे एक्सटेंड कर देंगे, पीछे खींच देंगे, तो कैसा लगेगा कि हमें वो फोकस से होकर ही जा रही है। तो सेम चीज इसमें है कि अगर रेज आपकी फोकस से होकर आ रही है, कौन सी वाली, इंसिडेंट रे, अगर आपकी फोकस पे स्ट्राइक होती है, मतलब फोकस से होकर गुजरती है ना, तो ये कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड कैसी होगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अगर मैं इसे को समझी, इसे को आगे तक बढ़ा देती तो देखिए ना कहाँ हो रहा है, कहाँ पे मिल रही फोकस पे ही मिल रही है, ठीक है। तो इस स्ट्राइक होगी कहाँ पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब थर्ड केस जो था हमारा, क्या था थर्ड केस, चलिए थर्ड केस था आपका, अरे बोलिए ना, पहले प्रिंसिपल से फोकस से होकर गई, फोकस से आई प्रिंसिपल से गई, अब मतलब पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अब थर्ड वाला केस कौन सा था, याद है किसी को, अब रे जो है इंसिडेंट रे कहां से होकर आएगी, बोलिए व्हाट्स द सेंटर, towards the center, center से, ठीक है। अब center से आएगी, center of curvature से, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका normal, है ना। तो चलिए center of curvature से कर देते हैं, mirror को थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ, तो ये आपकी center of curvature, मतलब center, तो ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रे आई है, अगर जो आपकी इंसिडेंट रे है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो तो रेडियस होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमने क्या देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अगर मैं किसी पॉइंट को जोड़ दूं
ठीक है, वहीं पे आई और यहाँ पे स्टाइल होगा वापिस से रिटर्न, ठीक है। और अगर मैं उसे आगे एक्सटेंड कर दूं है ना, तो क्या लगेगा कि वो सेंटर से ही जाएगी, है ना। इसे देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे आगे खींच दूं तो वहां से ऊपर निकले, सेंटर से होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड केस। अब आ जाइए फोर्थ वाला, जो फोर्थ दे दी हो क्या थी, पोल। तो इसका तो कुछ करना नहीं है, पोल से आई, सॉरी, और पोल से चिकल गई, ठीक है बेटा। ये पोल पे स्ट्राइक हुई और पोल से ही निकल गई। तो क्लियर है आप सभी को इतना, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसका मैं रेड एयरक्राफ्ट जो थे आपके, है ना, इमेज इमेज बनानी थी हमें, हम उन उसमें हमने कितने केसेस पढ़े थे, टोटल 6 केसेस पढ़े थे। इसमें इतने 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 2 केसेस ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब इसमें 2 केसेस ही क्यों पढ़ना है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए कॉन्केव मिरर में हमारे पास फोकल सेंटर था रिफ्लेक्टिव सरफेस के आगे था, ठीक है। तो मैं पोजीशन चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर दो ही पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक रखेंगे इंफिनिटी पोजीशन पे और एक रखेंगे थोड़ा सा पास, ठीक है। अब ये पीछे जो रख नहीं सकते, पीछे रखेंगे तो क्या है, पॉलिशिंग सरफेस है, ओपेक है, तो आपका रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही केसेस पढ़ने हैं, एक हमें रखना है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और एक ऑब्जेक्ट हमें रखना है थोड़ा सा इसके पास, ठीक है, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पे, ठीक है। तो ये दो ही केसेस हमें पढ़ने हैं। तो इतना आज पढ़ाया तो सबको क्लियर हुआ बेटा, यस मिस, सबको क्लियर है, यस यस मिस, क्या कोई ब्लर तो नहीं हो रहा है, अब क्लियर है, यस मिस, क्लियर है, यस मिस, ठीक है बेटा। तो इसके आगे का वैसे मुझे आज पढ़ाना था, लेकिन इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, और कल से ना फिर हम उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज क्लास में बस इतना ही पढ़ने आए, ठीक है, यस यस मिस।